ये संसार है, फूले फटके अनेक लोग इधर उधर घूमते हैं, वो हमारे भाई बहन हैं, उनको भी संभालना अपना फर्ज है, अपने ही परिवार के सदस्य समझे उनको, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, पर हम एक दूसरे का कदर करना, प्रेम रखना, आवश्यकता में उनकी मदद करना, ये हमारा परम कर्तव्य है, यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। मेरा नाम सिस्टर डेमियन है। ये संस्था ऐसे लोगों की सेवा करती है जिनका कोई नहीं है संभालने वाले। नवंबर 11 को इसका शुरुआत हुआ। एक लेडी सड़क पर पड़ी, कुछ लेडीज चारों ओर हाथ जोड़कर खड़े थे और बताए कि आप इसको, आपको संभालना पड़ेगा, इसको कोई नहीं है। तो हमने उसको भर्ती कर दिया और डॉक्टर ने भी कहा कि ठीक है हम इसको संभालेंगे, लेकिन लेडी बहुत ही चिल्लाने वाली थी, तो डॉक्टर ने कहा कि अभी अटेंडेंट की ज़रूरत है, तो अटेंडेंट को लगाया। 10 दिन के बाद उसको डिस्चार्ज कर दिया, कोई भी इसको रखने को तैयार नहीं था। फिर वकील को कहने से वकील ने कलेक्टर को लिखा, कलेक्टर ने किसी और को लिखकर एक दूर के रिश्तेदार को बुलाया और उसको डिस्चार्ज करके दे दिया। लेकिन 2 सप्ताह बाद वही लेडी सड़क पर मिली कोर्ट चौराहे पर। तो फिर हमने सोचा ये लाली हमारी वही पेशेंट है, अभी क्या करें, उसको क्या कर सकते हैं। फिर हमने एक किराए का मकान के लिए सोचा कि किराए का मकान मिला, किराए के मकान पर ले जाकर उसको रखा। किराएदार ने भी बहुत मेहनत हमारी मदद की और धीरे धीरे संख्या बढ़ने पर फिर हमारे बिशप ने थोड़ी सी जमीन और छोटी सी मकान हमको दिए। ये लोग मेंटल होने पर घर से निकल जाते हैं या निकाल दिया जाता है, सड़कों पर घूमने पर पुलिस लेकर आती है, या हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद डॉक्टर लोग फोन करके बताते हैं इसका कोई नहीं है, और वे लोग खुद ही आश्रम में पहुंच जाते हैं, इनको हम संभालते हैं। कभी कभी कुछ सालों बाद इनके पता लग जाते इसके पेरेंट्स से फलाने जगह, तो उनको हम सौंप वापस छोड़ देते हैं, उनके परिवार के लोग आने पर उनको सौंपते हैं। हमारे को किसी ने 1-2 गाय डोनेशन में दिया, तो फिर धीरे धीरे हम लोग बायोगैस का निर्माण किया, बायोगैस प्लांट बनाए, तो हमारे खाना बनाने का सब कुछ का गैस से शुरू हो गया। थोड़ा थोड़ा खाद बनाने हम लोग शुरू कर दिया, ऑर्गेनिक वर्मी कंपोस्ट। फिर आजकल को एक कोई आकर के बताया कि थोड़ा ऑर्गेनिक क्या है वेजिटेबल बनाने के लिए मदद करेंगे बोलकर शुरू किया है। अब पता नहीं इसके भविष्य क्या होगा, माल नहीं है, कुछ ना कुछ शिक्षा मिलती रहती है, कोई ना कोई आकर कुछ ना कुछ करते रहते हैं। हमारे सभी टीम में जो भी है ऐसे विश्वास करते हैं, सारा दिन इनके साथ जाने के लिए तैयार है, करते रहते हैं, उनकी सेवा में मन लगा हुआ है, कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ रही, अपना अपना फर्ज समझ कर करते रहते, इसलिए चल रहा है, एक मन होकर कर रहे हैं, नहीं तो इतने लोगों को संभालना, ये गालियां भी देती, कभी मारने के लिए भी आगे आ जाते हैं, तो इनके विचार ऐसा है कि ये लोग ऐसे ही है, क्या करें, इनका सहन करना पड़ता है, इनको समझ नहीं है, दिमाग खराब हो गया कि आखिर दुनिया में क्या है, कुछ भी नहीं है, ना कुछ लेकर आते हैं ना कुछ लेकर जाएंगे। ये ऐसे संस्थाओं में आकर देखने पर मन में ये विचार है ना बढ़ जाता है, अच्छा भी है दुनिया में लोग ऐसे बातों को समझे और इस पर विचार करें। बहुत सारे धन इकट्ठा करते हैं लेकिन मरने पर क्या ले जाते हैं, कुछ सारी जिंदगी इसी में लगा हुआ है, लेकिन कोई फायदा है ही नहीं है। लेकिन हम जो है बांट कर खाए, दूसरों को भी दे, इसमें आनंद मनाना चाहिए।